सर ऐसा कोई अस्त्र है जो टुकड़ों में है, लेकिन उसको छोड़ दो तो गोल है और उस पे एक निशान भी है। हमारा गुरूर, हमारे इतिहास की शान, जिसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति भरी हुई है। ये कौन सा अस्त्र है? सारे अस्त्रों का देवता ब्रह्मास्त्र। बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय रणबीर कपूर ने अपनी पहली सैलरी से क्या किया था, क्या गिफ्ट किया उन्होंने अपने आप को पहली बार, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने वैलेंटाइंस डे के दिन कैसे सेलिब्रेट किया ये ओकेजन। स्वागत है आपका बॉलीवुड स्टूडियोज़ में, मेरा नाम है निदा। आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत सारी बातें, यानी कि स्पेशली रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के बारे में बात होगी, क्योंकि उनकी फिल्म आ रही है एक साथ ब्रह्मास्त्र, जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं अयान मुखर्जी और स्टार किड्स के फादर कह लीजिए या फिर मेंटोर कह दीजिए करण जौहर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं। अब दूसरी बात आते हैं कि इस फिल्म में दिखने कौन कौन वाला है। आपको बता दूं कि इस फिल्म में रणबीर आलिया के अलावा अमिताभ बच्चन, नागार्जुन और डिंपल कबाड़िया और मोनी रॉय जैसे कलाकार दिखने वाले हैं। ये फिल्म 2020 को रिलीज हो जाती है और आप इस फिल्म को देख भी चुके होते, रिव्यू भी दे चुके होते और बता भी चुके होते कि कैसी फिल्म थी, लेकिन कोरोना महाशय की वजह से ये मुमकिन ना हो सका और ये फिल्म अभी भी शूटिंग के स्टेज पर है। आपको बता दूं कि इस फिल्म की शूटिंग अभी मुंबई में चल रही है और बहुत सारे एक्शन सीन्स इस फिल्म के शूट भी किए गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि रणबीर कपूर ने अपनी पहली सैलरी से अपने आप को क्या गिफ्ट किया था? देखो यार, पहली सैलरी, पहला इश्क, पहला अगर हर चीज़ में जिसमें पहला लगा होता है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा होता है। इसीलिए रणबीर कपूर को जब सांवरिया के बाद पहली सैलरी मिली थी तो उन्होंने पता है क्या खरीदा था? घड़ी खरीदी थी और उसकी कीमत थी 9.25 लाख रुपये। मतलब यहाँ पर इंसान को 15,000 की नौकरी मिलती है, दोस्त इतना पार्टी मांगते हैं, इतना पार्टी मांगते हैं कि 17,000 का कर्जा चढ़ जाता है। तो पता नहीं रणबीर कपूर ने 9.25 लाख की घड़ी खरीदने के बाद क्या पार्टी दी थी कि नहीं दी थी, ये तो रणबीर कपूर ही जाने। फिलहाल आपको बता दूं कि रणबीर कपूर आजकल लव रंजन की नेक्स्ट फिल्म, जिसमें श्रद्धा कपूर नज़र आने वाली हैं, उस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं और उसकी शूटिंग वो बाहर कर रहे हैं। वहीं पर आलिया भट्ट आजकल अपने मालदीव्स में दोस्तों के साथ छुट्टियाँ मना रही हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि ये दोनों लव बर्ड्स ने वैलेंटाइंस डे के दिन क्या किया था। वैसे बजरंग दल काफ़ी एक्टिव हो जाता है इस दिन और बहुत सारे फुप्पा फुप्पी का जो कैमरा है, सेंसर है, वो भी एक्टिवेट हो जाता है कि आज क्लासेस हैं कि नहीं है, आज कौन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये सारी बातें एक्टिव हो जाती हैं। लेकिन बॉलीवुड सितारे जो हैं वो काफ़ी शातिर हैं और बहुत ज़्यादा अपडेट हो गए हैं, पेपराजी से बच जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने किस तरीके से वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट किया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये दोनों ही एक दूसरे के साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किया, मुंबई में आकर एक दूसरे के साथ लंच किया, डिनर किया, पूरा दिन एक साथ ही बिताया। हाँ, यही किया इन्होंने। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या रणबीर कपूर आलिया भट्ट की ये जोड़ी फिल्म तक ही बनी रहेगी या फिर इस बार शपथ खाते हुए रणबीर कपूर आलिया भट्ट से शादी कर लेंगे? प्लीज़ आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी फिल्मों की जानकारी के लिए, फिल्म रिव्यू रेटिंग जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को, जहाँ पर हम आपको हर फिल्मी, हर गॉसिप, हर खबर देते हैं।